नमस्कार, मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़ भोपाल मध्य प्रदेश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कमल पटेल जी के, जी हाँ, जो कि कृषि मंत्री हैं, उनके बंगले पर। आपको बता दें, आज धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था और उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा से खाना बने और चूल्हा जले, इसकी शुरुआत बैतूल से कर दी गई है। जब उनसे आगे सवाल किए टीकाकरण को लेकर, तो उनसे दिग्विजय सिंह जी के बारे में भी हमने जानने की कोशिश की। इस पर उन्होंने कहा उनके बारे में कुछ बात ना की जाए तो ही बेहतर। दिग्विजय जी के बारे में भोपाल में जितना कम कहूँ उतना ही अच्छा है, आप लोग ज्यादा मेरे से ज्यादा जानते हो। मैं राजा को स्वागत करना, ये प्रधानमंत्री जी का पत्र लेके मैं वहाँ तेल की कारोबार के कारण मेरे संबंध होने का मैं खुद गया था। ये सारे होने के बाद वहाँ की राजा जी ने खुद एक विषय कहा कि मेरे हमारी ओर से प्रधानमंत्री जी को और एक संदेश आप दीजिए, कोरोना के समय में भारत की क्लोरोक्विन मेडिसिन, डॉक्टर, नर्स और आपकी समूचा हेल्थ केयर सिस्टम हमें जितना मदद किया, ये कौन कह रहा है? कुवैत कह रहा है। मुस्लिम देश, ये केवल कुवैत नहीं, खाड़ी की तमाम देश, विश्व की तमाम इमर्जिंग इकोनॉमी क्लोरोक्विन के कारण, डॉक्टर्स नर्सेस के कारण और आज वैक्सीन के कारण, ना केवल भारत में, विश्व आज बड़े आशा की नज़र से भारत को देख रहा है। अगर कुछ मतिभ्रम लोग, मंदबुद्धि के लोग भारत की वैज्ञानिकों की क्षमता को चुनौती देते हैं, मैं उनके ऊपर कोई साहित्य लगाना नहीं चाहता हूं, उनकी इस प्रकार की मानसिकता पे खेद प्रकट करता हूं। यही लोग हैं जो कभी कहे थे सच में क्या भारत की सैनिकों की ताकत है एयर स्ट्राइक करने की, सर्जिकल स्ट्राइक करने की, वही मानसिकता है, इसीलिए उनको क्या कहें। सौर ऊर्जा से ये घर का खाना बनाने का शुभारंभ किया और उन्होंने निरीक्षण किया, पूरा गांव सौर ऊर्जा से संचालित पूरा गांव था। ये देश और दुनिया का प्रधानमंत्री जी का सपना साकार किया। मैं माननीय प्रधान जी का मध्य प्रदेश की धरती भोपाल में स्वागत करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आदरणीय कमल पटेल जी ने बताया बैतूल जिले में एक गांव प्रधानमंत्री जी की कल्पना के आधार पे खाना सौर ऊर्जा से बने, उसके एक पायलट प्रोजेक्ट हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने शुरू किया था। ONGC को हम लोगों ने काम दिया था, एक आदिवासी गांव बाचा घोड़ा डुंगरी ब्लॉक में सौर ऊर्जा से स्ट्रीट लाइट, खेतों में पंप, ये तो चला था, लेकिन घर की खाना, जैसे पिछले दिनों में हम लोगों ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में लगभग सारे गरीब लोगों के पास LPG चूल्हा पहुंचाए थे, उससे और एक नया एक्सपेरिमेंट, एक बार लग जाए तो निरंतर सौर ऊर्जा से चूल्हा चलते रहे, इसकी प्रकल्प आज हमने शुरू किया। पिछले 2 साल से उसकी क्रियान्वयन हो रहा है और आज हम लोगों ने, गांव वालों ने और एक दो अपेक्षा रखी, गांव की स्ट्रीट लाइट, गांव की खेती, उसको भी सौर ऊर्जा से जोड़ना, इसलिए उस गांव के जितने ऊर्जा लगेगी वो सौर ऊर्जा आधारित हो, ऐसा एक प्रकल्प को मैंने शुरू करने के लिए, लोकार्पण करने के लिए गया था। उसी सिलसिले में कमल जी और हम, आपको और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को मिलना भी था, आपको भी मिलना हो गया, हमारी ओर से उतना ही बताना था। फिर आपको एक बार नववर्ष की शुभेच्छा।